ये बात तो आपको भी पता है कि फरमानी नाज ने गरीबी भरे दिन देखे लेकिन इंटरनेट ने इनकी जिंदगी बदल डाली दोस्तों रातों रात फरमानी नाज इंटरनेट पर वायरल हुई और लोगों में ये छा गई लोग आज इन्हें पसंद कर रहे हैं फरमानी फरमानिनाज सोशल मीडिया से आई कमाई से ही अपना घर चला रही है अब सवाल यहाँ पर यह है कि लगातार फरमानी विवादों से क्यों घिरती जा रही है और इसको लेकर योगी आदित्यनाथ का भी बड़ा बयान आया है मैं आपको पहली बार इस चैनल पर योगी आदित्यनाथ का बयान सुनाने वाला हूँ दोस्तों फरमानी फरमानिनाज ने पूरी दुनिया के सामने अपनी बात रखते हुए कहा था कि कलाकार का कोई धर्म नहीं होता वो हिंदू के भजन भी गाती हैं और मुस्लिम से जुड़े कव्वाली भी गाती है लेकिन कुछ मुस्लिम संगठन के लोग इस बात को हजम नहीं कर पाए और लगातार वो लोग फरमानी का विरोध करते जा रहे हैं और फरमानी पर बताया जा रहा है कि फतवा भी जारी कर दिया था और कुछ दिन पहले फरमानी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से जुड़े भी गाने गाए थे जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा थी और कुछ कुछ कट्टरपंथियों ने इसका विरोध भी किया लेकिन बहुत सारे मुसलमान इनका समर्थन भी कर रहे हैं इनके गाने में किस तरीके तरीके से ये कहती दिख रही है कि आएंगे तो योगी ही और एक बार फिर से हर हर शंभू गाना गाकर ये पूरी तरीके से विवादों में फंस चुकी है दोस्तों फरवानी नाच का बीजेपी के कई नेताओं ने समर्थन किया है और उन्होंने भी कहा है कि कलाकार का कोई धर्म नहीं होता और इसको लेकर वाकई में वो लोग लो एक्शन लेने वाले हैं और बताया तो यहाँ तक जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी फरवानी की आवाज़ की तारीफ की है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए आगे के अपडेट के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए नमस्कार